सीधे रुख करेंगे ओडिशा के पुरी की ओर, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर जगतगुरु निश्चलाचंद महाराज के द्वारा जो कार्यक्रम है उसे फिलहाल साकार किया जा रहा है। कार्यक्रम अभी भी जारी है। यंत्र और महायंत्र में क्या अंतर है? जब कोई यांत्रिक वैज्ञानिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न किसी यंत्र को करने में समर्थ होता है तब उसी का नाम महायंत्र हो जाता है। महायंत्र प्रवर्तनम, मनु जी ने संकेत किया कि महायंत्रों का प्रवर्तन होता रहेगा तो कोई भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति टिक नहीं सकेगी। यह एक संदेश है कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए यह संभव नहीं। मनु जी ने लाखों वर्ष पहले विश्व को सावधान किया था, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास होगा, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। क्या कारण है कि दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जा रहा है? मनु ने पहले ही संकेत किया था महायंत्रों का प्रवर्तन। ऐसी स्थिति में हमारी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट हो, हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए भी सुखप्रद हो, इसके लिए आवश्यक है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ से संदेश प्रसारित किया गया। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का ज्ञान प्राप्त करें और पूरे विश्व को उस ज्ञान के द्वारा लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। हम सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त अपने जीवन को देखना चाहते हैं। हमारी भावना है सबका कल्याण हो। नारायण श्री राम, जय राम, जय जय राम। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। वंदे मातरम, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमें इसके प्रहरी और प्रदीप। वंदे मातरम, हर हर महादेव। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। महाराष्ट्रीय अमृतमय पाद पद्म प्रणाम निवेदन करी आग्रह रखी गुरु पूर्णिमा महोत्सव को सफल करने आदित्य बाहिनी ओडिशा रा किसी प्रमुख कार्यकर्ता माने व्यवस्था पक्ष देखी आदरणीय वरुण साहू जी जे कि अनुगुल जिल्ला रा आदरणीय प्रताप भारती जी भद्रक जिल्ला रा सत्यजीत बेच जी बालेश्वर जिल्ला रा निमाई नायक जी भद्रक जिल्ला रा सौरी रंजन पंडा जी अनुगुल जिल्ला रा अनुरूप कटक लिंगराज पति जी देवेंद्र सामल जी अजय नायक जी शुभेंदु दास जी भुवनेश्वर जदि अच्छा निज जगह निजे ठिया हो अजय नायक जी शुभेंदु दास जी भुवनेश्वर अनुरूप जाजपुर दुर्गा शतपथी जी एम समस्ते सम्मिलित भाव गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को सफल कर एवं ता सहित प्रमुख भाव पुरी रे जो प्रमुख कार्यकर्ता माने पूर्णचंद्र खुंटिया जी गणेश जी रवि जी सीधा रुख करेंगे जगन्नाथपुरी की ओर, जहां पर पुरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर फिल्म जगत ये वो राजनेताओं के भाषण तमाम बकवास चलती रहती है दिन भर। हम समाज को किसी सकारात्मक मोड़ पर लाना चाहते हैं।
हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि जो मशाल जलती हुई हमारे पहले की पीढ़ी हमारे हाथ में सौंप के गई है, क्या हम उस मशाल की लौ को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को उसको ज्यों का त्यों सौंप पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है पूरे समाज के सामने, और मैं भी अपने आप को उस प्रश्न के सामने खड़ा पाता हूँ। इसलिए महाराज जी अनुरोध करता हूँ कि आपके प्रवचन यदि प्रतिदिन हम चलाने की आप अनुमति दें तो रोज सुबह प्रातःकाल 6:30 से 7 बजे 365 दिन महाराज जी के प्रवचन हम चलाना चाहते हैं। छोटी सी 5 पंक्ति की खुद की लिखी हुई कविता आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और आप उसकी जगह ले लो। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और आप उसकी जगह ले लो, ताकि दुनिया जान सके आप किसी सूरज से कम नहीं हो। आप किसी को आपने भगवान सूर्य का नाम लिया, भगवान विद्यार्थी था, ज्ञानावस्था में हम सन्यासी के रूप में भगवान सूर्य ने दर्शन दिया, उन्होंने एक आदेश दिया। मैंने असमर्थता व्यक्त की कि मैं योग्य नहीं हूं, उन्होंने वरदान दिया भविष्य में मैंने जो आज्ञा दी है उसको एक पालन करने की तुम्हें क्षमता आ जाएगी, भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने आदेश दिया था कि मेरे वंश का संस्कृत काव्य में आज से अंत तक तुम वर्णन करो। मैंने कहा था कि मैं योग्य नहीं हूं, उन्होंने कहा समय पर वो योग्यता दे दूंगा। मैं भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। इसी मठ की बात है, रात्रि बीतने पर छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। जैसा कि मेरा स्वभाव बचपन से रहा है, मैंने बिजली को बंद करके एकांत में अंधेरे में कुछ चिंतन करना उचित समझा। लगभग यही समय रहा होगा, सूर्यमंडल से लेकर मुझ तक प्रकाश की किरणों का मुझे दर्शन हुआ। जैसे मछुआरा अपने जाल में मछली को फंसा लेता है, उन रश्मियों ने मुझे अपने जाल में ले लिया। मैंने मन ही मन प्रश्न किया कि आप कौन हैं? रश्मियों के द्वारा मन में ही उत्तर आया कि हम गणित के परमाणु हैं। हमने कहा कि मेरे जीवन में आप प्रतिष्ठित हो जाइए, जब जब मैं स्मरण करूं तब तक प्रकट होइए। मैं समझता हूं वैदिक मैथमेटिक्स की वैदिक मैथमेटिक्स के केवल 25 पृष्ठों की व्याख्या अभी कंप्यूटर में 1542 पृष्ठों में सन्निहित है, और भगवान सूर्य की कृपा से गणित को लेकर जो ज्ञान विश्व में नहीं है 1,00,000 पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में है। तो मैं भगवान सूर्य के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। साथ ही साथ मानव जीवन जिस अध्यात्म विज्ञान से सार्थक होता है, वह भी मुझे दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में भगवान सूर्य से ही प्राप्त हुआ। व्यावहारिक धरातल पर हरिहर के अवतार कुछ गुरुदेव स्वामी कर्पाती जी महाराज मेरे सब कुछ हैं, लेकिन एबीओ कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का जब मैं विद्यार्थी था, अध्यात्म का विज्ञान भी मुझे भगवान सूर्य से ही प्राप्त हुआ है, गणित का विज्ञान सूर्य से ही प्राप्त हुआ है। भविष्य में जो एक आदेश की पूर्ति होनी है वो भी भगवान सूर्य की कृपा से ही। इसका कारण क्या है,
समय पर यज्ञों का वित हुआ, गायत्री मंत्र की दीक्षा मेरे अग्रज महोदय पंडित प्रवर सिंह सिद्धेव झा ने मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। सूर्य आत्मा इस मंत्र को याद कराया, चक्षुर्मित्र से है। मैंने कहा कि मित्र किसका नाम है, उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान का नाम मित्र है। उसी क्षण मैंने भगवान सूर्य को अपना मित्र मान लिया। पहले मैंने भगवान सूर्य को सखा मित्र माना, बाद में गणित और अध्यात्म का विज्ञान उनसे प्राप्त हुआ तो मैंने गुरु भी माना। दूसरा कोई सूर्य नहीं, सूर्य देव तो मेरे गुरुदेव हैं। अब उन्होंने मेरी पग पग पर रक्षा की है, आगे भी जो कार्य संपन्न होना है भगवान सूर्य की कृपा से ही। मूल में श्री कृष्णचंद्र तो है ही। समय पर्याप्त हो गया है। बस कुछ संचालित होगा, उसके बाद हम सभी यहां से प्रस्थान करेंगे। साध्वी प्रीति प्रियंवरा जी ने कुछ संस्कृत छंदों में भगवत पाद के चरणों में अपने भावों को प्रस्तुत किया है। इसे मैं श्लोक भी कह सकता हूं, पुण्य श्लोक भगवान और भगवान के भक्तों का जिसमें वर्णन हो उसी को श्लोक कहना चाहिए। निश्चित रूप से यह श्लोक है, तो मैं श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूं। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। आनंदे निश्चले मग्नः गुरुवर्यः महाद्युतिः गोवर्धने महापीठे संस्थितः शंकर स्वयं सदा वेदे शास्त्रे रुचिरमतियस्य फलवती स्थितः दिव्ये धामे ललित प्रवर सेवैक निपुणः करोति भक्तिः यो सतत सुभगा प्रेरणकरी गुरुः साक्षात् शंभु जयति विमला शक्ति कृपया अमल कमल माला शोभित दिव्य देह अरुण करुण मूर्ति वेद शास्त्र प्रणीत अभय वरदम मुद्रा यस्य कीर्ति प्रशस्ता जयति जयति देव श्री गुरुर्मदीयम् जयति जयति देव श्री गुरुर्मदीयम् श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। राजस्थान जोधपुर से साध्वी प्रीति प्रियंवरा, उन्होंने अपने भाव पुष्पांजलि समर्पित की है। प्रज्ञा चक्षु हैं, प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी इन्होंने इतने सुंदर भावों को निश्चित रूप से भगवती सरस्वती की कृपा है। कल के कार्यक्रम की सूचना श्रीमद् प्रसाद मिश्र जी हम सबों को यहाँ से देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमें समस्ते स्वल्प समय भीतरे व्यवधान रखी नारायण पादुका दर्शन करके समस्त हम छाड़ीबा। आसंता काली कल की कार्यक्रम की मैं सूचना दे रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इसी सत्संग भवन पर हम सबको महाराज श्री के मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। इसी क्रम से सायं को 4:30 बजे 5 मिनट पहले मान लो 4:25 में हम सब उपस्थित रहेंगे, और इसे 10 बजे तो मान लो 9:55 के पहले
हम सब उपस्थित रहेंगे 10 से 12 बजे और 4:30 बजे से आगे, ये कल की सूचना है। और हमारे दो अंतर्जातीय ख्याति संपन्न ओडिसी नृत्य शिल्पी जो महाराज श्री के चरणों में आस्थान्वित है, माननीय नारायण पांडे जी हर साल इसे आके सबको प्रमुदित करते हैं, और कुमार भीमसेन जी वो हर समय अपने नाम के पहले कुमार लिखते हैं, कुमार भीमसेन जी, और उनके साथ भी उनका एक अनुजाई शिष्य भी है, हर साल वो प्रमुदित करते हैं। इसी क्रम से अरुण महांती जी जो मीडिया का काम देखते हैं वो भी आज उपस्थित है। पंडित सुदर्शन त्रिपाठी जी वो कर्मकांड विद्वान है, महाराज श्री के शिष्य है, वो भी आज उपस्थित है। और कीर्तन चलेगा और धीरे धीरे आप आके सामने नारायण भगवान के पादुका दर्शन करके आगे निकलेंगे। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की भगवती सती का विसारा का जो मंदिर मनसा देवी भगवती जी भगवतपाद भगवान शंकराचार्य महाभाग पूज गुरुदेव की प्राकट्य स्थली, वहां पर भगवती मनसा देवी का विशाल मंदिर, उसका कार्य चल रहा है। डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। उसका प्रोस्पेक्टस भगवत पाद के हाथों से उसका लोकार्पण हो रहा है। हर हर महादेव। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान भगवते मनसा देवी जिनका नाम विसारा भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में इनका यशोगान विस्तार पूर्वक प्राप्त है। दरदकारु महर्षि की धनपत्नी है, इनका नाम भी दरदकारु ही है। आसाम से मेरी जन्मभूमि में एक सज्जन के साथ वो आई थी दिव्य रूप से। मैं जब बचपन में गांव में रहता था, मनसा देवी की मुझ पर बहुत कृपा रही है, और आज भी मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान विष्णु के द्वारा हर प्रकार मेरी सुरक्षा में वो नियुक्त है। मनसा देवी उन्हीं का नाम विसारा है। उनकी कृपा से मेरे जीवन में प्रगति हुई है। श्रीमती डॉक्टर इंदिरा झा जी ने बहुत ही आस्था पूर्वक, मेरा तो जन्मभूमि में जाना संभव नहीं, हाथ जोड़ कर ही आया था, लेकिन भगवती मनसा देवी का मंदिर बनवा रही हैं ऐसा मैंने सुना है। स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी की सहभागिता शिलान्यास। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।